डोंबिवली में ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ संस्था के अध्यक्ष दिनेश दुबे का जन्मदिन भी संस्था के सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अति धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए शशिधर शुक्ला, सुभाष मिश्रा, मनोज तिवारी, आरपी मिश्रा, राजन पांडे, संतोष कनौजिया, यशुभूमि के वरिष्ठ पत्रकार शैलेश तिवारी, निशाकांत मिश्रा, डोंबिवली के नगर सेवक महेश पाटिल, भोजपुरी के लोक गायक संजय तिवारी सफल, डॉक्टर हरिमोहन मिश्र, पीपी सिंह, बीपी सिंह, अरविंद सिंह, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। निशाकांत मिश्रा के सुपुत्र एडवोकेट गणेश मिश्रा का भी जन्मदिन मनाया गया। मंच का सुंदर संचालन सुरेंद्र दुबे ने किया। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था 2008 में इसका स्थापना हुआ है। तब से लगातार धर्म के प्रचार के माध्यम से अपने भविष्य के युवा पीढ़ी को अपने हिंदू धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसका कैसे निर्वहन करना चाहिए, उसके बारे में चिंतन कर रही है और समाज में वो निरंतर जो है उसको प्रसारित कर रही है। उसी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा ये निरंतर यहाँ पर हर साल होता है और उस कथा के माध्यम से लोगों के चरित्र का विकास कैसे हो उस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाता है और बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग लेते हैं समय समय पर। उस कार्यक्रम के तहत लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, वो करते रहते हैं। ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था द्वारा विगत 15 वर्षों से यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होता रहा है। इस समय भागवताचार्य श्री अजय जी महाराज द्वारा कथा निरंतर, आज चौथा दिन है। कृष्ण जन्मोत्सव आज बड़े धूमधाम से मनाया गया, उसी के साथ मेरा भी जन्मदिन मनाया गया। मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं तो छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ संस्था का, एक तरह से हर चीज़ में संलग्न, लेकिन यहाँ की लोगों की मर्जी थी कृष्ण भगवान के साथ साथ मेरा भी जन्म उत्सव में उसी में आनंद लिया जाए, तो बहुत ही अच्छा लगा। सब कल्याण से, माटुंगा से, थाना से, दीवा से सब लोग चल के आए, उल्लासनगर से, अंबरनाथ से, और मुझे बधाई दी। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतना समय निकाल के यहां आए और मुझे बधाई दिए। बहुत खुशी की बात है कि आज चौथे दिन कृष्ण भगवान का जन्म होता है और उसी दिन हमारे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश दुबे जी का जन्मदिन था, उनका भी जन्मदिन हम लोग धूमधाम से मनाए। और हमारे महामंत्री जी हैं जो निशाकांत मिश्रा जी, उनके पुत्र, द्वितीय पुत्र एडवोकेट गणेश मिश्रा जी का भी आज जन्मदिन है। तो हम दोनों जन का जन्मदिन खूब धूमधाम से, कृष्ण भगवान के जन्मदिन के साथ उन लोग का भी जन्मदिन एकदम धूमधाम से मनाएं और भगवान की कृपा, अवतकी कृपा ऐसी बनी रहे, हम लोग निरंतर इनका जन्मदिन ऐसे ही हर साल इसी पंडाल में मनाएं, यही ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राधे। संस्था विगत 15 वर्ष से ब्राह्मण समाज संस्कृति संस्था दर वर्ष समाज के हित में और शिक्षा के केंद्र में, और जो हमारा कथा है आज 15 साल से लगातार चल रहा है। हमारे बड़े भाई दिनेश दुबे जी जो इसके अध्यक्ष हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनके जन्म उपलब्ध में कहना चाहूँगा कि माननीय श्री दिनेश दुबे जी कल्याण जिला कोषाध्यक्ष हैं और ये समाज के लिए बहुत ही काम करते हैं। जैसे हमारे उत्तर भारतीय समाज में एक उत्तर भारतीय रत्न ही इनको बोला जाए तो कोई बात नहीं कि उत्तर भारतीय रत्न ही हैं। समाज के गरीब से लेके कोरोना काल में देखा जाए तो कोरोना काल में जगह जगह पे गरीबों को अन्नदान वितरण, जो भी सुविधा हुआ, जैसे कि श्रमिक ट्रेन चालू हुई उसमें लोगों को बिठाना, साथ में उनका व्यवस्था करवाना, पानी करवाना, बहुत सारे नेक काम इन्होंने किया है। इनके जन्मदिन के लिए हम सब साथियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा. आज नाही तर कधीच नाही. 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सही. CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.